आप सभी को मेरा नमस्कार जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धरती माता की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके एक बेटा और एक बेटी दोनों छोटे छोटे थे। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। बूढ़ी माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हारे जैसा घर और तुम्हारे जैसा वर देखकर ही उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लेकर आ गया। बहन से कहा, यह सब सामान क्यों लाए हो भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? भाई नहीं कुछ बोला। बहन सब कुछ समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के गवालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा चुनरी चप्पल रख दिए और वह धरती माँ में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ की अंदर समा रही थी। तोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और जोर जोर से रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है तो उससे धरती माता खुश होती है। तो बोलो धरती माता की जय हो।